हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। हमारे आईबीएम टीवी नाइन न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। आज हम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ में तना नागपुरी जी है, जो एक ख्यातनाम कवि है, लेखक है और समाज सेवी है, आज हमारे साथ में है। हम उन जो आज नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसी उपलक्ष्य में उनके क्या विचार है प्रधानमंत्री जी के बारे में हम उनसे जानेंगे। तना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईबीएम टीवी नाइन न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में। हर बार आपके विचार जनम सामान्य तक के पहुँचते हैं, जनता तक के पहुँचते हैं। आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है, क्या कहोगे आप आज उनको? ढेरों शुभकामनाएं दूंगा, मुबारकबाद दूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घायु हो, सत्ता पे उनकी पकड़ और मजबूत हो, और से जहाँ पे भी जाए हमारे देश के उनके कार्यकाल में प्रगति होती रहे, ऐसा ही समाचार लोगों तक पहुँचता रहे। मैं क्या कहूँ, उनके तो सम्मान में उनके जन्मदिन पे ये तन्हा नागपुर इतना ही कह रहा हूँ कि उनको चांद तारों की उम्र लग जाए तो अच्छा, उनको चांद तारों की उम्र लग जाए तो अच्छा, आसमान की उम्र लग जाए तो अच्छा। मैं छोटा कार्यकर्ता उनके बारे में कहूँ तो क्या, भगवान की उम्र उनको लग जाए तो अच्छा। मैं आज उनके सामने, बाबा साहब के सामने सजदा कर रहा हूँ कि बाबा साहब के संविधान की उनको उम्र लग जाए तो अच्छा। आज आदरणीय मोदी जी, अपने अरमानों के सारे पयाम आपको दे रहा हूँ, शुभ नाम आपको दे रहा हूँ, कीर्तिमान आपका बढ़ता रहे, कीर्तिमान आपका बढ़ता रहे, अपने जिंदगी के संग्राम आपको दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ जब से आप 2014 से भारत के राजधानी यानी हिंदुस्तान में जब से आपने सत्ता संभाले है, तब से कई उतार चढ़ाव अपने ज़िंदगी के देखे हैं, संघर्ष के देखे हैं, सत्ता के देखे हैं। इसके बावजूद भी आपके कार्यकाल में जिनको भी अच्छा कहना है अच्छा कहे, जो भी कहना है कहते रहे, मगर मैं तन्हा नागपुरी हमेशा कहूँगा कि आपके कार्यकाल में देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, देश की जनता को कहीं ना कहीं आपसे बहुत लगाव है और बहुत आशा है कि भाई चलो आपने नोटबंदी कर दिया उससे भी कुछ ना कुछ देश को फायदा हुआ है, आपने GST कर दिया है उससे भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, कश्मीर में जो सालों से 370 धारा थी उसको भी कहीं ना कहीं आपने रोका है उससे भी कहीं ना कहीं देश को फायदा हुआ है, आतंकवाद कम हुआ है, बेरोजगारी कम हुई है, और ऐसे भी बहुत से कई आयाम है जो आपने सोचे थे वो आपके आयाम को कहीं ना कहीं परिपूर्ण करने में आप सार्थक रहे। मैं मोदी जी, आप दीर्घायु हो, मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा बने रहे, आपका भोलापन तो नहीं है मगर भोलेपन में भी जो आपने 56 इंची का सिंदूर लेकर हिंदुस्तान को जो कहीं ना कहीं एक नया मानदंड दिया है, ऐसा आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। आज पहले ही निराले और अलग ही व्यक्तित्व के आप धनी हूँ। मैं आज भी छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, बाबा साहब के विचारों को लेकर चलता हूँ, मगर जब से मैंने आपका कार्यकाल देखा है तब से यही कहता हूँ कि आपके कार्यकाल में जो कीर्तिमान आपने बढ़ाए हैं, जो दुनिया में जाकर एक अलग अलग तरह के पैगाम आपने दिए हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किसी भी महामहिम ने ये बातें नहीं कही है। मगर आपने जब से भाजपा की सत्ता संभाली है, अपने मंत्रिमंडल को कहीं ना कहीं लेकर आपने जो नया गठन किया है, जो भी लेखों को लेकर चल के आप देश के विकास के लिए जो कदम उठा रहे वो बहुत काबिल तारीफ है। मोदी जी, मैं छोटा सा कार्यकर्ता क्या आपके जन्मदिन पे कहूँ, अरे तरक्की के आयाम लेके चलते हो, न जाने क्या क्या काम लेके चलते हो, हम तो आपके बीच में कुछ भी नहीं है मोदी जी, मगर आप तो ज़िंदगी का बड़ा नाम लेके चलते हो, हम यही दुआ आपके जन्मदिन पे दे रहे हैं। अभी आप मालूम पड़ा है कि देश में जाते हो, देश के बाहर भी जाते हो, विदेशों में जाते हो, कई लोग आपकी जय जयकार करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपने कुछ अच्छे कारनामे किए हैं, इसलिए करते हैं कि आपने देश की जनता को कुछ अच्छा अच्छा दिया है। मैं जानता हूँ मैं आपके तारीफ में जितना भी कहूँगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर सच्चाई सच्चाई होती है। हाँ, आईने को काला लगाने से चांद का दाग कम नहीं होता, आईने को काला लगाने से चांद का दाग कम नहीं होता, और हम बताए भी तो कहीं जाकर फूल तोड़ने भी बैठे तो मोहब्बत का बाग कम नहीं होता, आपके कदमों से ही कहीं ना कहीं चमन खिलते रहते हैं, आपके चलने से ही कहीं ना कहीं हवा लहराते रहती है। ये सब बातें आपको भगवान ने कहाँ से दी है मैं नहीं जानता, मगर आपके कार्यकाल की सिद्धि एक अलग तरह की अलौकिक है, ये अलौकिक बातें आपको ही जमती है। आपने जिस पत्थर पे हाथ रख दिया है वो देवता बन गया है, आपने जिस लोहे को छू लिया है वो पारस बन गया है, और आपने उस पारस को हाथ रख दिया है तो उसको सोने से भी सुनहरी बना दिया है। आपने
आज लद्दाख से लेकर, कश्मीर से लेकर, पूरे देश की जनता से लेकर, कोने कोने से लेकर, जो एक राष्ट्र के विकास का जो अपने जो एक पैगाम दिया है, बहुत बहुत ही सुंदर है। आज राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के विचारों का हो, या बाबा साहब के विचारों का हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, या वीर सावरकर जी का हो, या आपके पार्टी के किसी भी मान्यवर नेता का हो, ये सब बातें करने वाले आप पहले नेता हो जो देश के प्रधानमंत्री बनकर हमारे बीच में आप सम्मान से जी रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में हमारा देश और भी तरक्की करे। मैं यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आज जो मोदी जी का जो जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन एक और कांग्रेस की ओर से बेरोजगार दिवस भी मनाया जा रहा है मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्या कहोगे? नहीं, वो कांग्रेस का अपना नज़रिया है। कांग्रेस अभी सत्ता से बाहर है 2014 से, तो उनका तो लगता है कि हम जो भी कुछ करेंगे जनता की नज़र में आना चाहिए। दुनिया भर की यात्रा कर रहे, दुनिया भर की संघर्ष यात्रा कर रहे, चौकस यात्रा कर रहे, जागरूक यात्रा कर रहे। वो जो भी यात्रा कर रहे हैं मोदी जी, उनकी तरफ आपका जो भी ख्याल रहे, मैं तो कहूँगा कि गरीबों के कल्याण में भी कहीं ना कहीं आपकी बातें रहना चाहिए। आप विदेश में जाकर युद्ध नहीं होना चाहिए करके एक अलग पैगाम देते हो, युद्धों के बदले में भगवान बुद्ध का पैगाम आपने देना चाहिए कि भगवान बुद्ध ही घर घर में जाएंगे। भगवान बुद्ध की जो वाणी है, जब उनका जो भी कुछ पैगाम है देश के अंदर में अगर फैलेंगे तो ये सब बातें युद्ध की नहीं होंगी, विनाश की नहीं होंगी, विपरीत काले कहीं ना कहीं विपरीत बुद्धि की नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास में वो गुण है। आप पूरे देश के अंदर में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर में आपका नाम काज कहीं ना कहीं डंका बज रहा है। वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, और भी जो छोटे मोटे राज्यों के अध्यक्ष, अमेरिका हो, ये बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आपको कहीं ना कहीं आज भी अपना करीब मानते हैं, और आप भी उनके करीब जाते हो तो देश के कहीं ना कहीं तरक्की की बातें लेके जाते हो। आज पूरा देश है बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं बारूद के आकलन के अंदर में अपने आप को झेपी हुई सी, मरी हुई सी समझती है। उनको आपने एक नया चैतन्य आज क्या बोलते रसिया में जाके, मतलब वो वहाँ के पुतिन जी को दिया है कि नहीं नहीं कि समझौते की बातें करो, सुलह की बातें करो, आपस में कहीं ना कहीं डायलॉग्स की बातें करो। ये बातें करना सबके बस की बात नहीं है। सारे ये दिग्गज प्रधानमंत्री दूसरे की बातें नहीं मानते, मगर आपकी बातों को आदरणीय मोदी जी सर आँखों पर लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपकी जय जयकार हो, असम से अंदमान तक आपकी जय जयकार हो। ये तरह नागपुरी छोटा सा कार्यकर्ता आपके सम्मान में इतना ही कहेगा कि सारे हिंदुस्तान में आपकी जय जयकार हो, दुनिया के अंदर में इतने कीर्तिमान बने कि आपके कीर्तिमान की जय जयकार हो, और आप ऐसा तीर चलाए जमाने पे अपने प्यार का कि हर कमान की आपके अंदर जय जयकार हो। ये तरह नागपुरी आज आपके लिए कहता है। क्या देश में अभी अमन शांति है ऐसी, यानी आपको लग रहा है बेरोजगारी है, बेरोजगारी और बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहना चाहोगे आप मोदी जी से? अगर नहीं है लोनारे साहब, ये सब छुटमुट बातें जो भी सत्ताधारी होते हैं उनके बीच में आते रहती है। पहले 2014 के पहले क्या था और आदरणीय मोदी आए तब क्या है, ये बातें जनता को भी समझ में आ रही है। मोदी साहब भी कुछ जानते हैं, मगर मोदी साहब ने कहा है कि हमारी GDP बढ़ रही है, हमारे देश की विकास गाथा अलग बढ़ रही है। अभी जो पहले बहुत कम थी बाजार भाव के हिसाब से, अब उसका कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत तरक्की के दायरे में बढ़ रहा है। हो सकता है आज जो गरीब लोग रो रहे हैं हर चीज़ के लिए, बेरोजगारी के लिए, आतंकवाद के लिए, अपने पेट पानी के चारे के लिए, नोटबंदी आने से कहीं ना कहीं जो उद्योग धंधे खराब है उस मसले के लिए, हो सकता है मोदी जी ये सब बातें जानते हो। आने वाले 24 के चुनाव के पहले हो सकता है आपके भी खाते में 15 लाख रुपये आ जाए, हो सकता है कुछ ना कुछ फूल नहीं फूल की पाती आ जाए। उनको सब समझता है, वो गरीबों के हित ही है। आज हिंदुस्तान के मसीहा है, और मसीहा होने के नाते हम उनके बच्चे हैं, हम उनके रहम करम पर जीने वाले छोटी सी जनता है। जनता के दुख दर्द को आदरणीय मोदी जानते हैं, पार्टी के भलाई के लिए जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे ED लगा के कर रहे हैं, चाहे सरकार गिरा के कर रहे हैं, मगर वो देश के भलाई के लिए कर रहे हैं कि वो चाहते हमारा एक छत्र राज्य अगर हो जाए तो देश के अंदर में इंकलाब आ जाए। हमारा एक छत्र अगर राज हो जाए उसके लिए मोदी जी जो भी बन पड़ता है अपने राजनीतिक रसूख से कर रहे, और ये कोई मामूली बात नहीं है। आज पर्दा मुसलमानों को भी अपने हित में लाना, आज दलित समाज के लोगों को भी अपने हित में लाना, अरे इतने विविध तरह की जातियाँ हमारे देश में, सबको अपने कहीं ना कहीं पासंग में लेकर, प्यार से लेकर, अपने पास में लेकर चलना, ये सबके बूते की बात नहीं है। लोनारे साहब, विजय जी, मैं क्या बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार उनके सम्मान में कहीं ना कहीं या उनकी आलोचना भी करते रहा हूँ, मगर आज उनके जन्मदिन पर इतना कहूँगा कि ऐसा प्रधानमंत्री चिराग लेके भी ढूंढो तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। उद्योगपतियों को बढ़ाए या हिंदुस्तान के किसी को बढ़ाए, मगर आप जब तक जिंदा है आदरणीय मोदी जी तब तक तला नागपुरी आपको सलाम करते रहेगा। आपके जन्मदिन पर आने का एक शुभकामना देकर आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि मोदी जी
आप है तो दुनिया है, आपके मन की बात तनहनाकपुरी सुनते रहता है, आपके कोरोना काल में भी जो भी आपने कहा है उसकी बातें मन में लाते रहता है, आप घर घर में आपकी बातें थाली बजा बजा कर भी लोगों ने आपको याद किया है, और आसमां को टार दिखा दिखा कर भी आपको कहीं ना कहीं आज भी लोग याद करते हैं आपके जन्मदिन को। और तनहनाकपुरी क्या कहे कि सारी खुशियाँ जब मैंने आपके नाम कर दी है, सारी ज़िंदगी आपको जब कुर्बान कर दी है, मैं क्या छोटा सा कार्यकर्ता बोलूँ, बस आपको ये दुआ है कि मैंने अपने आरजूई भी आपका अरमान कर दी है। इतना ही कहते हुए जन्मदिन पे आपको फिर ढेरों शुभकामना दे रहा हूँ, और ये चैनल के माध्यम से जो आपकी कृति और चारों तरफ पड़े, इतने मैं आपके सामने साष्टांग दुआ कर रहा हूँ बाबा साहब के पुतले के पास। सम्मान से जय जय भारत। निश्चित ही निश्चित ही हमारे साथ में जो ये तनहनाकपुरी जी है, एक अच्छे कवि है, जाने माने कवि है, लेखक है और समाज सेवी है। आज मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी के जन्मदिन में उन्होंने बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं दी है। आने वाले कुछ दिनों में हो सके तो वो 15 लाख रुपए जनता के खाते में डालेंगी, ऐसी भी उनकी आशा है तनहनाकपुरी जी की। और उन्होंने बहुत अच्छा आज एक संदेश और एक शुभकामनाएं अपने हमारे दोनों चैनल के माध्यम से तनहनाकपुरी जी ने नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उन्हें दिए हैं ने कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय हिंद।